पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी को कंट्रोल नहीं है, बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, छुट्टियां मिल गई और बच्चे पैदा हो ही जा रहे हैं। आपके जो घर के पेंडिंग काम है, जो आप दफ्तरों से छुट्टी लेके बांधा मार के करते हैं, ठीक है, और कहते हैं जी मुझे फिलहाल अर्जेंट वर्क है, ये है जी, ये है, वो सारे जानते हैं हम। यार ऐसे हालात में जब तुम्हें बार बार ही अपने घर वालों की शक्लें देखने को मिलती हैं, तुम्हारे घर में बेशक 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, तुम्हें उन्हीं की बार बार शक्लें देखने को मिलती हैं, 24 घंटे एक एक सेकंड बाद तुम उनकी शक्ल देखते हो, और तुम्हारा पाकिस्तान पूरा बंद हुआ है, तुम गली में जा नहीं सकते, तुम्हारी मस्जिदें, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ बंद है, तो तुम क्या करोगे? तो दोस्तों टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे कि आप लोगों ने क्या करना है इसमें, इसमें क्या नहीं करना है, घर में बैठ के तुम क्या कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाजमी देखें, और इसमें मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। जी फ्रेंड, सबसे पहले है कि खुदा के वास्ते बच्चे पैदा मत करें, आबादी का कंट्रोल करें। फ्रेंड्स हमारी, आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी को कंट्रोल नहीं है, बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, छुट्टियां मिल गई और बच्चे पैदा हो ही जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तानियों को अपनी गलती का एहसास जो है ना वो तकरीबन 9 से 10 महीने बाद होता है। तो अगर आपने आज या इन दिनों में कोई गलती कर दी तो यकीन करें आपको गलती का एहसास 10 महीने बाद ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ को नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे रखें और बच्चे पैदा मत करें, यानी कि आबादी को कंट्रोल करें। एक्सरसाइज, जी दोस्तों एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज तो आम बंदा हर जो ना वो पाकिस्तानी के मतलब घर की इन्वायरमेंट ऐसी होती है वो कर सकता है। मतलब अगर आप जिम जा रहे हैं और आपकी जिम हर्ज हुई है इन दिनों में, तो आप जो ना वो घर में ही डंबल बनाएं, और क्या कहते हैं उसे, अगर डंबल आप सीमेंट या मिट्टी के भर के नहीं बना सकते हैं तो आप कम से कम, आपके घर में सीढ़ियाँ तो होंगी ना छत पर जाने के लिए, यार वो सीढ़ियाँ ही चढ़ लो यार। तुम क्या मतलब डंबल का या उनका इंतज़ार करोगे कि कब जिम खुलेगा? आपने अगर जिम रूटीन में जाना है तो आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज ये आपकी छत पे वॉक कर लो या सीढ़ियाँ चढ़ लो, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे क्रिकेट एट छत, मतलब क्रिकेट खेलो आप यार, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, छत पे चले जाओ, कमरे में खेलो, अपने बच्चों के साथ खेलो या अपने सिबलिंग्स के साथ खेलो, मतलब खेलो। आपने दिन गुजारना है, कैसे भी गुजारो, तीसरे नंबर पर टॉपिक है कि आप क्रिकेट खेलो, छत पे खेलो, क्रिकेट एट छत, या कमरे में खेलो, हॉकी खेलो, कोई भी चीज़ आप खेल सकते हो, मतलब टेनिस खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कुछ भी है वो खेलो आप। फैमिली बॉन्डिंग फ्रेंड्स बड़ी ज़रूरी है, फैमिली बॉन्डिंग। सारा दिन क्रिकेट खेलोगे, एक्सरसाइज करोगे तो क्या करोगे, बोर ही होगे ना, तो फैमिली बॉन्डिंग भी करो, फैमिली को टाइम दो। फैमिली बॉन्डिंग से आप उस चीज़ की तरफ मत चले जाना कि जो है ना वो दोबारा से जो है ना फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाओ ना। फैमिली बॉन्डिंग से मतलब फैमिली को टाइम दो। फैमिली को टाइम आप क्या दोगे, फैमिली के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो और डीप फैमिली बॉन्डिंग करो आप जो है ना वो घर के प्लानिंग करो फ्यूचर की, और घर के अखराजात की, और जितने जो भी घर जिस तरह घर का सर्किट चलता है तो वो इसकी प्लानिंग करो। फाइटिंग विद सिबलिंग्स, यार कौन सा ऐसा बंदा पाकिस्तान का या कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपने बहन भाइयों के साथ नहीं लड़ता? ये तो दिन है आपके लड़ने के, लड़ो, कूदो, खेलो, जो भी है, और बेड पे लड़ो, कहीं भी लड़ो, छत पे लड़ो, और पेरेंट्स को तंग करो और टाइम गुजारो खेलने के साथ साथ। तो फाइटिंग विद सिबलिंग, नाराज़गी ख़त्म करो, सीरियस टॉपिक है, नाराज़गी ख़त्म करो। कोई पता नहीं है हमारी लाइफ का, हमें कब जो है ना वो कोरोना हो जाए और हमें कब साथ ले जाए अपने, और जो है वो आप देखते रह जाएं। नाराज़गी ख़त्म कर लो, जिस चीज़ के साथ नाराज़ हो, कोई दोस्त है, कोई माँ बाप से नाराज़ हो, या बहन भाइयों से नाराज़ हो, या ख़ास तौर पर रिश्तेदारों से नाराज़ हो, तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लो, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का बिल्कुल भी इस तरफ इस टाइम अंदाज़ा नहीं है कि आप कब कोरोना के साथ वापस जा सकते हो। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है ना वो सब अपने रिश्तेदारों से, जिनसे भी है, गली मोहल्लों से, पड़ोसियों से, जिनसे भी नाराज़ हो, तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लो और उनसे माफ़ी मांग लो। बेशक उनका इंतज़ार ना करो, बल्कि आप खुद पहल करो और नाराज़गी ख़त्म करो। बुक रीडिंग, मुझे पता है बुक रीडिंग पाकिस्तानियों का कोई सेवा नहीं है, इतना कोई शौक नहीं होता, ना ही ये देखेंगे, इतना इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने टाइम गुजारना है इतने सारे टॉपिक्स के अलावा, जो आप जो को मैंने चुना है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसे नॉलेज में भी इजाफा करो और जो है वो क्या कहते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करो और बुक रीडिंग करो और लोगों को भी सजेस्ट करो। और आप बुक रीडिंग में जो है वो आप नावल पढ़ सकते हो, लिटरेचर पढ़ सकते हो, इंग्लिश का, उर्दू का, जो भी है, और बड़ी बड़ी सीरीज़ हैं आप वो देखो और रीडिंग करो, आपका टाइम गुजरेगा। मूवीज़ देखो भाई हर टाइम। बुक रीडिंग थोड़ी करनी है या खेलना थोड़ी है, थोड़ा सा टाइम अपने माइंड को फ्रेश भी करना है, कुछ स्टोरी भी देखनी है, तो उसके लिए मूवीज़ देखो, सीजन्स देखो, मतलब बड़े अच्छे अच्छे चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स लगाओ और शुरू हो जाओ, रातों रात
देखो आपने और दोस्तों के साथ सुबह उठ के शेयर करो, यार मैंने ये सीज़न ख़त्म कर दिया, मैंने ये वाला सीज़न मुका दिया, मैंने ये वाली मूवी देख ली, देखो और देखो कैसा आपका टाइम गुजरता है। कुकिंग सीखो, ये खास तौर पे लड़कियों के लिए है, लेकिन जो बंदे जो हैं जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, जिनको शौक होता है वो भी कुकिंग सीखें, ये ऐसे ऐसे दिन हैं उनके लिए कि मतलब वो हर चीज़ सीख सकते हैं। यूट्यूब भरी हुई है, आप अपने फ्रेंड से फैमिली से कहीं से भी जो है ना वो आप जा तो नहीं सकते, लेकिन फ़ोन पर उनसे कुकिंग सीखें। जिनको शौक है कुकिंग का या घर को डेकोरेशन करने का, वो सीखें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूटोरियल्स और सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो ये बड़ा बेस्ट टाइम है आपका मतलब लर्निंग का, ख़ास तौर पर कुकिंग का और डेकोरेशन का और घर की डेकोरेशन वगैरह का या देखभाल का जो टाइम होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, आप टाइम गुजार सकते हैं पूरा दिन। तो कुकिंग सीखें, हेल्प ईच अदर। फ्रेंड्स एंड पे मैंने एक ऐसा टॉपिक रखा है कि हेल्प ईच अदर। आप लोग मतलब क्या यार, सारा दिन काम ही करोगे, क्रिकेट खेलोगे छत पे, जो है ना वो एक्सरसाइज कर लोगे, छत पे चढ़ लोगे, बहन भाइयों के साथ तंग कर लोगे, कुछ भी है, लेकिन आप मूवीज़ देख लोगे, कुछ भी कर लोगे, टाइम गुजारोगे, लेकिन एंड पे जो एक चीज़ है वो हेल्प ईच अदर। मतलब आप आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ तो चलें आपका कोई अभी इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, आप उनको नहीं देख सकते, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ हेल्प करें, आप जो वो काम करते हैं उनके साथ हेल्प करें, आपके जो घर के पेंडिंग काम है जो आप दफ्तरों से छुट्टी लेके बांधा मार के करते हैं, ठीक है, और कहते हैं जी मुझे फिलहाल अर्जेंट वर्क है, ये है जी, ये है, वो सारे जानते हैं हम पाकिस्तानी कैसे छुट्टियाँ करते हैं, तो वो आप काम निपटाएं। बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन घर के काम जो है मतलब कोई कहीं के यार कोई कोई चीज़ रहेगी आपके घर की बनाने वाली, आप उसको बनाएं, आप उसको ठीक करें, ठीक है, कोई चीज़ रिपेयर करने वाली आप खुद इसको रिपेयर करें बजाय इसको कोई मिस्त्री का, तो हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें, जो काम वो देखा है वो कर रहा है, आप उसमें दिलचस्पी लें, वो काम करें, तो आपका टाइम अच्छा तरह गुजर जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, हमने आपके साथ ये 10 मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक शेयर किए और आपको बताया कि आप जो है वो इन क्वारंटीन डेज़ में अपना टाइम जो है ना वो कैसे स्पेंड कर सकते हैं पूरा दिन। अगर आपकी यही रूटीन रहती है तो मेरे ख्याल से ये 2 हफ्ते के आप 2 महीने या 2 साल भी लग जाएं तो आपके लिए कुछ नहीं है। तो बस जाते जाते ये कि आप दुआ करें अल्लाह के सामने कि जो है वो हमारी जो है ना वो जल्द से जल्द कोरोना से जान छूट जाए और ये किसी की जान ज़्यादा मत लेके जाए और हम वापस जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से, बाकी फैमिली मेम्बर से जो दूर हैं या जो स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ के दफ्तरों के जो दोस्त हैं उनके साथ दोबारा मिल सके और हमारी रूटीन जो है ना वो दोबारा से डेली लाइफ जो है ना वो बहाल हो सके। तो फ्रेंड्स जाते हुए ये है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और क्या कहते हैं हमें अपना फीडबैक दो, कमेंट्स दो और आप बताओ कमेंट्स में, मैसेजेस में कि आप जो है वो अपना दिन कैसे गुजार रहे हो इन क्वारंटीन्स के दिनों में। तो मिलते हैं आप फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके।